پکسای پری اور کچھ گسو اے جٹھا آشا نہیں یہ जट जट हेलीकॉप्टर जट मैंने देखा सर ये जेट जहाज है सर। हाँ सर, क्या कैसे कितने बजे? अभी लगभग 10-20 मिनट हुआ था सर। हेलीकॉप्टर था या जेट फ्लाइट था? जेट फ्लाइट सर। कंफर्म? हाँ सर। कोई इसमें कोई आग वगैरह लगी थी? हाँ बोले। हाँ सर, हाँ सर, आग लगी, बहुत आग, बहुत आग लगी सर। हाँ सर, गैरन बड़गाम सर। बड़गाम में? हाँ सर, कंफर्म है जेट है ये? हाँ सर, हाँ सर, इसमें इसमें तीन आदमी सर, पायलट तीन है सर। अच्छा, हाँ वो भी जल गई सर। कोई धमाका वमाका? हाँ हाँ सर, दो धमाका हुआ था सर, दो धमाका सर हुआ। Some aircraft has fallen. As of now, we are not in a position to ascertain anything. ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल टीम आई हुई है, वो फैक्ट्स असर्टेन करेंगे। जब कुछ डिटेल्स आएगी तो प्रेस के मीडिया के थ्रू या प्रेस रिलीज के थ्रू आप तक पहुँचाया जाएगा। Any casualties reported as of now? अभी तक तो हमें कुछ बॉडीज मिली है, दो बॉडीज मिली है, उनको हमने इवैक्यूएट किया है यहाँ से। अभी और चल रही है यहाँ पे सर्च, तो कुछ मिलेगा तो अकॉर्डिंगली आपको बता दिया जाए। अभी तक कोई असर्टेन नहीं हो सकता है, बॉडीज सारी चार्ड है, वी कैन नॉट असर्टेन एनीथिंग। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह बौखलाया है, वो कल से ही सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और वहीं अभी अभी सुबह सुबह खबर आई है कि पाकिस्तान का एक विमान ने भारतीय वायु सीमा का भी उल्लंघन करने की कोशिश की और घुसपैठ करने की कोशिश की। ये पाकिस्तान का लड़ाकू विमान राजौरी के नौशहरा सेक्टर में देखा गया था। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमीन जी मौजूद हैं। अमीन जी, क्या खबर है आपके पास? नहीं, खबर तो जो आप कह रही हैं वो एकदम पुख्ता है, जिसको भारतीय एयरफोर्स ने, लड़ाकू विमानों ने उसको जो है वापस जो है उसी रास्ते से पीछे जो है ढकेलने में कामयाब हुए हैं, भारतीय एयरफोर्स हुई है। और उसके बाद से थोड़ा सा सीमा पे आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि जो है मुजफ्फराबाद और बालाकोट और चकोटी में जो भारतीय एयरफोर्स ने जो एक बेहतरीन कमाल किया था और आतंकवादियों के कैंप को जो नेस्तनाबूद किया था, उसके बाद से सीमा पे तो एक तरह से तनाव बढ़ा हुआ है। और दिल्ली में, इस्लामाबाद में, हर जगह जो है एक जो है बैठकों का दौर चल रहा है। उसके बाद से जो है जैसे ही सुबह राजौरी के नौशेरा में जो है भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को वापस जो है फिर जो है खदेड़ा, उसके बाद से जो है काफ़ी जो है गतिविधियां देखी जा रही है वहां पे सीमा से सटे हुए इलाकों में, जैसे पंजाब में, राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लेह, जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट पर जो है हाई अलर्ट की बात की जा रही है। विमानों की आवाजाही पर जो है रोक लगा दी गई है एक सुरक्षा कारणों से। और ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सभी यात्रियों की जो है टिकट जो है रद्द कर दी गई है।
और जो है और भी जो चीज़ें देखने को मिल रही है, इससे ये बातें तय मानी जा रही है कि दोनों तरफ से जो सीमा पर जो है काफ़ी बड़ा तनाव देखा जा रहा है। जी, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह बौखलाया हुआ है। हालांकि अमेरिका ने भी अभी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान पहले अपनी ज़मीन का आतंकवाद ख़त्म करे। अमेरिका ने एक बार फिर से CRPF के जवानों पर जो हमला हुआ था उसकी निंदा की है, और बावजूद उसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूरे विश्व में वो अलग थलग पड़ गया है, उसके बावजूद वो इस तरह के भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, ये चीज़ें तो पूरी विश्व बिरादरी इस बात को जानती है कि ऐसा है, और जो है पाकिस्तान के तरफ से ही इस तरह की वो चीज़ें हो रही है, और सारी जो गलत गतिविधियां हैं भारत में आतंकवाद और इस तरह को फैलाने का काम जो है पाकिस्तान ही करता है, और उसी का हमने जो है जवाब दिया था। जो परसों जो घटना हुई थी रात को 3:30 बजे, वो हमने उसी बात पे किया। लेकिन जो अभी अभी जो इसमें जो डेवलप हुआ है वो हम जो है अपने दर्शकों को ये बात बता रहे हैं कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान जो है भारत में घुसे थे नौशेरा में, और उसके बाद से भारतीय विमानों ने उसको फिर वापस जो है पीछे खदेड़ दिया है, और एक एहतियातन जो है काफ़ी जो है सुरक्षा बरती जा रही है और एहतियात बरते जा रहे हैं। उसके बीच और भी दो चीज़ें डेवलप हुई है, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। NSA के साथ गृह मंत्री की जो बैठक हो रही है उसमें सभी DGP, CRPF के DGP, CISF के DGP और CRP के DGP सभी के साथ गृह मंत्री एक बैठक कर रहे हैं। सुबह भी एक बैठक हुई है NSA के साथ और तीनों सेनाओं के साथ जो है गृह मंत्री बैठक की, तो काफ़ी जो है गतिविधियां जो है भारत जो है पाकिस्तान पर नज़र बनाए हुए है, और सभी जो अर्धसैनिक बल हैं जो अभी मैं बता रहा था उनके DG के साथ बैठक हो रही है कि कैसे हालात को निपटा जाएगा और क्या क्या किया जाएगा, उसकी भी एक बैठक अभी शुरू हुई है। अभी एक गृहमंत्री ने बैठक जो है खत्म की है NSA के साथ। जी जी, इसके अलावा खबर ये भी है कि जो नौशेरा में पाकिस्तान का लड़ाकू विमान घुसा उसने कुछ बम भी गिराए हैं, क्या कहना है, इसके कुछ अपडेट है इसको लेकर? नहीं, अभी इसके अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, चूंकि खबर सरकार की तरफ से जब तक हम पुख्ता नहीं होगी तो इस तरह की अफवाहें चलती रहती हैं, हम अफवाहों पर कम ध्यान देते हैं, चूंकि जो खबर जब तक पुख्ता ना हो उसकी बात पे अभी कुछ कहना जो है बेमानी होगी। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी जिस तरह से कि पाकिस्तान का लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में घुसा, उसको भारतीय वायुसेना ने पूरी बहादुरी के साथ खदेड़ दिया है। इस बारे में और भी ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मैंने देखा सर, ये जेट जहाज है सर। हाँ सर, क्या कैसे कितने बजे? अभी लगभग 10-20 मिनट हुआ था सर। हेलीकॉप्टर था या जेट फ्लाइट था? जेट फ्लाइट सर। कंफर्म? हाँ सर। कोई इसमें कोई आग वगैरह लगी थी? हाँ बोले। हाँ सर, आग लगी, बहुत आग, बहुत आग लगी सर। हाँ सर, गैरन बड़गाम सर। बड़गाम में? हाँ सर। कंफर्म है जेट है ये? हाँ सर। हाँ सर, इसमें तीन आदमी सर, पायलट तीन है सर। अच्छा, हाँ वो भी जल गए सर। कोई धमाका वमाका? हाँ हाँ सर, दो धमाका हुआ। Some aircraft has fallen. As of now, we are not in a position to ascertain anything. ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल टीम आई हुई है, वो फैक्ट्स असर्टेन करेंगे, जब कुछ डिटेल्स आएगी तो प्रेस के मीडिया के थ्रू या प्रेस रिलीज के थ्रू आप तक पहुँचाया जाएगा। Any casualties reported as of now? अभी तक तो हमें कुछ बॉडीज मिली है, दो बॉडीज मिली है, उनको हमने इवैक्यूएट किया है यहाँ से, अभी और चल रही है यहाँ पे सर्च, तो कुछ मिलेगा तो अकॉर्डिंगली आपको बता दिया जाए। अभी तक कोई असर्टेन नहीं हो सकता है, बॉडीज सारी चार्ड है, वी कैन नॉट असर्टेन एनीथिंग।
जाटा शुरू हुआ।